सुन लो भैया भैया थोड़ा सा भैया थोड़ा सा जगह दीजिए ना, थोड़ा सा साइड दीजिए, थोड़ा सा साइड दे दो, थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, अजय अरे और वहां से भगा देंगे, रुक जाओ, जय श्री राम, 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 साइड से निकल, अरे फंस गया, चलो चलो भैया, दो मिनट भैया, चल 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 और इस खबर पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, राम जी के ननिहाल में पहुंचे हैं, जेपी नड्डा माता कौशल्या के दर्शन करने पहुंचे हैं, क्या जानकारी है, क्या उनका कार्यक्रम है और क्या सभा वहां हो चुकी है, सभा के बाद वो पहुंचे, आगे क्या कोई और इस तरह का कोई कार्यक्रम है जहां पर उनको संबोधित करना है? जी बिल्कुल सही, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है संतपुरी में सभा को संबोधित करने के बाद माता कौशल्या धाम पहुंचे हैं और इसी छत्तीसगढ़ ग्राम का ननिहाल कहा जाता है और संतपुरी में माता कौशल्या का जो है धाम है और यहां पर पहुंचकर जेपी नड्डा ने माता कौशल्या धाम में दर्शन किए हैं और अभी देख सकते हैं मंदिर परिसर के अंदर ही जेपी नड्डा जो है मौजूद है और साथ में रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भी यहाँ पर मौजूद है। तो जेपी नड्डा ने जो है मंदिर में दर्शन करने के बाद जो मंदिर परिसर में जो जहाँ पर जोर पर भी पहुंचे हुए हैं तो यहाँ से दर्शन करके राष्ट्रपति जेपी नड्डा यहाँ से अभी निकलेंगे और उसके बाद प्रदेश कार्यालय अपने जाकर जो है बिल्कुल स्वप्निल, राजनीतिक तौर पर भी इसका अलग ही मतलब निकलता है क्योंकि राम जी के ननिहाल वो पहुंचे हुए हैं, माता कौशल्या के दर्शन वो कर रहे हैं, जाहिर तौर पर राम जी के अनुयायी है सभी, यहाँ पर भाषा से संबोधित करते हैं प्रभु श्री राम को, तो ये एक संदेश देने की भी कोशिश है। जी निश्चित रूप से, चूंकि चंदपुरी में सभा थी तो यहाँ पर ही जो है माता कौशल्या का धाम है तो ऐसे में उनका दर्शन करने का प्रोग्राम जो है सभा के पहले ही था लेकिन चूंकि सभा लेट हो गई थी तो इसलिए सभा को संबोधित करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो भाजपा के नेता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा जी यहाँ से निकलते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, कब तक का उनका कार्यक्रम है, आगे किस तरह की बैठक होनी है, कौन कौन उसमें शामिल होने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी राजधानी में ही आज उन्होंने रात को स्टे किया था, कल रात को वो सभाएं कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी कोई बैठक होने की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल नहीं, अभी चंदपुरी में माता कौशल्या धाम के दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा जो है यहाँ से केशवराव ठाकरे प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर जो है रायपुर लोकसभा कमेटी की बैठक लेंगे और बैठक में चूंकि दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव होने तो उस संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो चूंकि अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ पहुंचकर तीन लोकसभाओं में प्रचार किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज कानपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भाजपा ने सभी ग्यारह सीटें जीतने को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है और इस कड़ी में सभी राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचेंगे और उनकी जांजगीर और धमतरी में जो है सभा होगी तो छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रदेश में सभी 11 सीटें जीतने के लिए पूरा दम यहां पर लगा दिया है और लगातार राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन चंदखुरी में आज कौन सी बड़ी बातें कही है जेपी नड्डा में, हम चाहेंगे दर्शकों को वो भी आप बताइए, क्योंकि एक तरफ आज गृहमंत्री अमित शाह हुंकार भरे तो एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हुंकार भर रहे हैं, क्या बड़ी बातें थी? जी बिल्कुल, पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने काम किए हैं उन तमाम बातों को सभा में जेपी नड्डा ने रखा है। साथ ही जिस तरीके से पिछले 50 सालों में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं और जो
विकास के काम जो रुके हुए थे वो पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार के आने पर हुए हैं उन तमाम बातों को जो है जेपी नड्डा ने अपनी सभा में रखा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 महीने में विष्णु देसाई की सरकार ने जिस तरीके से मोदी की गारंटी को पूरा किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महतारी बंधन योजना की जो राशि जारी की गई है, किसानों को जो 2 साल का बकाया बोनस जो भाजपा की रमन सरकार में नहीं मिल पाया था वो बोनस यहाँ पर विष्णु देसाई की सरकार ने देने का काम किया है, तो उस उन मुद्दे को रखा है। साथ ही यहाँ पर जो 3100 रुपए में धान खरीदी की बात जो वादा था वो भी घोषणा पूरी की गई, तो 3 महीने में जो विष्णुदेव साय की सरकार ने जो गारंटियां पूरी की गई है उन बातों को भी यहाँ पर रखा है। साथ ही जो विपक्ष की जो महागठबंधन है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अपनी बातें रखी है और कांग्रेस पर जो है विपक्ष को कटघरे में फिर से खड़ा किया।